नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के अंदर हुए एक पहले ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन के बारे में, जो कि नेपाल की कहीं न कहीं काया पलट कर सकता है। नेपाल को कहीं न कहीं विश्व के उन देशों की सूची में लाकर खड़ा कर सकता है जो कि आज विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ वो उन समस्याओं को दूर कर सकता है जो कि आज नेपाल सरफेस कर रहा है। दोस्तों, आखिर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वो क्या चीज है, और आखिर इससे इतने ज्यादा बदलाव किस तरह से पॉसिबल है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हम सब के लिए, और ना केवल नेपाल जबकि आज दुनिया का हर एक विकसित देश या फिर हर एक विकासशील देश इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसका क्या रीजन है? दोस्तों, हाइड्रोजन के पीछे लोग ऐसे बेसब्री से या फिर ताबड़तोड़ क्यों पड़े हुए हैं, ये बातें भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक देश ये चाहता है कि वो विकसित देश बने, हर एक देश ये चाहता है कि उसके प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर एक देश ये चाहता है कि उसका प्रत्येक व्यक्ति एक मिडिल क्लास से भी ऊपर फैमिली जी सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होता है, वो यहाँ पे करना बहुत जरूरी बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, कई देश जो कि फ्यूल के कारण अपना सब कुछ बड़ा कर सकते हैं, और कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी बेस्ड है फ्यूल के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ तो नेपाल के अंदर नहीं है, क्योंकि नेपाल को तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्यूल खरीदना ही पड़ता है। तो ऐसा तो ये ऑप्शन तो नेपाल के लिए ठीक नहीं है। अब जरूरी यह नहीं है कि एकमात्र फ्यूल ही ऐसा संसाधन है जिसकी बदौलत कोई देश ऊपर उठ सकता है या फिर कोई देश नीचे जा सकता है। बहुत से ऐसे यहाँ पे सेक्टर हैं उद्योग के जिसके अंदर हर एक देश अपनी अपनी काबिलियत को दिखा सकता है। जैसे चाइना आज प्रोडक्शन या फिर जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बनाता है, और उसकी बदौलत वो रिचेस्ट कंट्री में नंबर वन आ चुका है। उसी प्रकार बांग्लादेश एक छोटा सा देश है जो कि अभी तो थोड़ा समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन अब से थोड़े से दिन पहले की बात करें तो काफी अच्छी उनकी भी सिचुएशन थी। तो नेपाल भी चाहता है कि हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं। दोस्तों, नेपाल के पास एनर्जी और यहाँ पे इसके साथ साथ पर्यटन है, लेकिन पर्यटन को हम कहीं ना कहीं विश्व शक्ति के रूप में नहीं जोड़ सकते। ये जरूर है कि पर्यटन उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं बूस्टर डोज चाहिए, अगर हमें एक ऐसी यहाँ पे क्रांति चाहिए जिससे कि हमारा देश झटाक से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो जाए, तो उसके लिए हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर एक बंदा यही सोचता है कि एनर्जी मतलब कोयला, एनर्जी मतलब फ्यूल, एनर्जी मतलब पेट्रोलियम की हर एक चीज, लेकिन जरूरी नहीं है। दोस्तों, आजकल एनर्जी और भी बहुत चीजें हैं। दोस्तों, नेपाल के पास बिजली बहुत ज्यादा है, और अगर बात करें दोस्तों हाइड्रो पावर बिजली की, तो वो नेपाल के पास सबसे ज्यादा है आज के युग में, क्योंकि नेपाल छोटा सा देश है और उसकी तुलना करें तो नेपाल लगभग 2200 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, और इस बिजली का लगभग वो 1800 मेगावाट अपने देश के अंदर यूज करता है। यानी कि बाकी बची 400 मेगावाट बिजली है उसका वो स्टोर तो नहीं कर सकता, यानी कि उसे एक व्यापारी की जरूरत होती है, और वो व्यापारी उसे लगभग तो भारत ही मिलता है। इसके बावजूद अगर बात करें, कोलैबोरेट कर रहा है नेपाल बांग्लादेश के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है वो कुछ रुपए तो दे सकता है नेपाल को, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंचा सकता जिस जगह पर नेपाल जाना चाहता है, यानी कि जिस जगह पर हर कोई जाना चाहता है। अगर हम बात करें दोस्तों हाइड्रोजन की, तो वो उत्पादित किया जा सकता है इस जरिए, यानी कि उसे बिजली की जरूरत होती है। आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं किस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उससे बिजली के द्वारा हम किस प्रकार से हाइड्रोजन बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर हाइड्रोजन बनाते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके द्वारा हम अमोनिया भी जनरेट कर सकते हैं और हम यूरिया भी जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें हम अमोनिया की, तो जो नेपाली आर्मी है वो लगभग 13 बिलियन रुपीस की प्रत्येक साल अपने विस्फोट के लिए जो यहाँ पे अमोनिया है वो खरीदता है, तो वो रुपए बचाए जा सकते हैं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बना ले तो। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों यूरिया की, तो यहाँ पे लगभग 7 लाख टन यूरिया यहाँ पे नेपाल खरीदता है हर साल, और अगर बात करें इसके रुपए की, तो वो लगभग यहाँ पे 20 बिलियन रुपीस से भी ऊपर बैठ जाता है, जिसको भी आप नेपाल बचा सकता है अपनी हाइड्रोजन के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा हम दोनों ही ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जो कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। तो जो बिजली हमें सिर्फ बेचने से इतने दाम नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम इसका यूज करके हाइड्रोजन बनाए तो हमारा लाभ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं नेपाल ने ये यहाँ पे एक नया
जो आयोजन किया है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि हम प्रकृति में हाइड्रोजन जो प्रचुर मात्रा में है उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाए। लेकिन इकट्ठा करने की बात की जाए तो इकट्ठा करने के लिए इसके दो प्रोसीजर हो सकते हैं, या तो इसे गैस फॉर्म में रखें या फिर इसे लिक्विड फॉर्म में रखें। लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखना इसे आसान नहीं है, या फिर ऐसे कहें कि इम्पॉसिबल है इन द नेचर, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा कम तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन इसे गैस रूप फॉर्म में रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि नेपाल प्रकृति प्रेमी है, और प्रकृति प्रेमी होने के नाते नेपाल जो हाइड्रोजन बना रहा है या फिर फ्यूल के रूप में यूज कर रहा है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, और जिसकी बदौलत प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। इसके साथ साथ अगर बात करें इस हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा सेफ है कि बाकी फ्यूल इतने सेफ हो नहीं सकते। फ्यूल है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन इतना सेफ है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज्यादा हल्का होता है तो लीकेज होने से जल्दी से उड़ भी जाता है, जिसके हम कह सकते हैं कि इससे खतरा बहुत ज्यादा कम है। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों अभी नेपाल का प्लान, तो ये स्वच्छ जलने वाले अणु को पहले साफ करने के लिए कथित तौर पर एक क्षेत्रीय श्रृंखला डी कार्बोनाइजल बनाने की मदद करता है, और ग्रीन जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो स्टील, सीमेंट, परिवहन उद्योगों में शक्ति प्रदान करता है। जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना कार्बन डाइऑक्साइड के हम पानी का उत्सर्जन करते हैं तो ग्रीन हरित हाइड्रोजन उर्वरक पैदा होता है, जो कि ऊर्जा भंडारण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा की जो ऊर्जा सुरक्षित की जाती है वो की जा सकती है। ये क्षमताएं दोस्तों एक सम्मेलन या फिर कहें कि एक सम्मेलन के अंदर नेपाल ने इस ऊर्जा के बारे में चर्चा भी की है, और ये चर्चा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि नेपाल को उस जगह तक पहुंचा सकता है ये हाइड्रोजन बनाए जाने के बाद में, जिस जगह पर हर कोई देश जाना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है और उसके लाभ के बारे में जानकर हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, और न केवल ग्लोबल वार्मिंग से जो जुड़े खतरे हैं और जो जोखिम है उनसे बचा जा सकता है, बल्कि नेपाल चाहता है कि 2030 तक वो समृद्ध राष्ट्र बने, और वो कुछ ऐसा ही कर सकता है जिससे कि वो समृद्ध राष्ट्र बन जाए। दोस्तों यहाँ पर अपने जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि आज ना केवल नेपाल इसके बारे में सोच रहा है, बल्कि भारत, अमेरिका और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसके बारे में सोच रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में ये फ्यूल तो ख़त्म हो ही जाना है। तो हमें कहीं ना कहीं एक और सब यहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत है, और वो यहाँ पे फ्यूल बनकर हमारे सामने काम आ सकता है, हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पे नेपाल की ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे भविष्य की है, और बताया जा रहा है कि 2030 तक इस क्षेत्र में नेपाल समृद्ध बनना चाहेगा। और जैसे ही यहाँ पे इस क्षेत्र में समृद्ध बनेगा नेपाल, तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि नेपाल अपने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ ही ऐसी है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन की ट्रेड रेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई देगी, और एक ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। जो देश इसके यहाँ पे उत्पादन में सबसे आगे रहेगा वो देश आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर सकता है, तो नेपाल क्यों इसमें पीछे रहे। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।